हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टडी साइंस फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इन दिस चैप्टर टॉपिक टू बी कवर्ड फूड वेराइटीज, फूड इंग्रेडिएंट, फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज, फूड ईटन बाय एनिमल, यानी कि भोजन के प्रकार, जो भोजन बन होता है उसमें क्या क्या किससे बनता है, फूड मटेरियल क्या है और वो उसके सोर्सेस क्या हैं, और वो फूड जो एनिमल के द्वारा खाया जाता है। व्हाट डू यू हैव इन योर टिफिन बॉक्स टुडे टू ईट ड्यूरिंग लंच टाइम? आल्सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड इज हैविंग इन हिज हर टिफिन। डिड यू ईट द सेम फूड यस्टरडे विथ योर फ्रेंड? यानी कि आप जब डेली आप स्कूल जाते हो तो, या इस समय तो स्कूल आप जा भी नहीं रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि आप जो है सुबह में कुछ और खाते हो, दोपहर में कुछ और खाते हो, शाम को कुछ और खाते हो, दिन भर कुछ न कुछ अलग अलग खाते रहते हो। तुम्हारे दोस्त भी हैं उसी तरह, वो भी अपना खाते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि जो आज हम लोग भोजन किया वो कल भी वही हम लोग किए थे, या सुबह जो किए हैं वो शाम को वही करेंगे, या आज जो खाएं वो कल हम वो ही खाएंगे, तो ऐसा कुछ तो बात है नहीं। तो वी आल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज नॉट इट। यानी कि हम लोग जो है डेली जो है हर समय कोई एक ही खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। फूड वेराइटीज, देयर इज लॉट ऑफ वेराइटीज इन द फूड वी ईट। हम जो है बहुत ढेर सारा कई प्रकार के खाना जो हम लोग खाना खाते हैं। वी ईट डिफरेंट आइटम ऑफ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, यानी कि एक ही दिन में हम लोग कई तरह के भोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स से करते हैं। फूड ईटन एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज डिफरेंट। जो भी हम जैसे सुबह में नाश्ता कुछ और किए, लंच कुछ और किए, शाम को खाना हम लोग जो खाया वो कुछ और था। इवन पीपल फ्राम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और हमारे देश में कई प्रदेश हैं और हर प्रदेश के जो लोग हैं अलग अलग खाना खाते हैं। टू नो मोर अबाउट अ वेराइटीज ऑफ फूड ईटन बाई अस, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो। ये आप एक्टिविटी देखें और उसको, जैसे मान लो कि कोई राजेंद्र सिंह है, पंजाब से हैं तो रोटी दाल सब्जी कर्ड खीर खाएंगे, साउथ में है तो क्या है डोसा इडली सांभर इस तरह के लोग खाएंगे। हर प्रदेश में अलग अलग खाना होगा, तो इसमें आप लोग इसको फिलअप कर लेंगे अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट, देयर सीम्स टू हैव टू मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड अप, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं वो किससे बनता है ये हम लोग जानेंगे। तो फूड इंग्रेडिएंट, थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, वी टॉक रॉ राइस एंड कुक इन वाटर, जस्ट टू मटेरियल आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, ऑयल साल्ट स्पाइसेज एंड सो ऑन। द मटेरियल विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इन्ग्रीडियंट, यानी जो फूड इन्ग्रीडियंट होता है। जैसे मान लो आप घर में सुबह चावल बनाए तो चावल में क्या चाहिए, राइस चाहिए और वाटर चाहिए। ये दो इन्ग्रीडियंट से आपका जो है राइस, आपका जो है बॉइल्ड राइस आपको मिल गया। लेकिन वही अगर आप सब्जी अगर बना रहे हो तो आपको डिफरेंट काइंड से आपका वेजिटेबल चाहिए, ऑयल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस मसाला चाहिए, सो ऑन। ये सब ये इतनी चीज मिला के तब ना सब्जी बनेगा आपका। इसलिए ये जो है आपका जो है क्या है, ये जो भी चीज़ें यूज होती हैं किसी भी फूड को मेक करने के लिए वही आपका इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिविटी टू है टू फाइंड इंग्रेडिएंट इन सम फूड आइटम। जैसे चपाती रोटी बनाना है तो फ्लोर आटा और वाटर चाहिए। इडली है तो इसको राइस उड़द दाल साल्ट एंड वाटर चाहिए। ऐसे दाल बनाने के लिए दाल आयल अर्घी स्पाइसेस साल्ट एंड वाटर।
वेजिटेबल बनाने के लिए वेजिटेबल, आय आर आर घी स्पाइसेस साल्ट एंड वाटर, दो आप लोग अपने खुद से लिखेंगे ऐसे ही। तो व्हाट डू यू फाइंड, हैव यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, राइट सच फाइव इंग्रेडिएंट डेट आर सेम इन नियर अबाउट एवरी डिश विथ द हेल्प ऑफ योर मदर एंड टीचर। ऐसे आप पाँच जो है फूड आइटम्स का नाम लिखें और उसके इंग्रेडिएंट लिखें जो आप घर पे बनाते हैं अपने मदर के हेल्प से। सो वेयर डू दिज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, और ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं। लेट अस फाइंड आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ये मतलब फूड जो हम लोग फार्म करते हैं इनके जो इंग्रेडिएंट हमको चाहिए और इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज, फूड आइटम एंड द इंग्रेडिएंट लिस्टेड इन टेबल 1.2। जैसे खीर है, खीर में मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, तो मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से, राइस किससे, प्लांट से, शुगर प्लांट से। चिकन करी बनाना हो तो साल्ट एंड वाटर अर्थ से, चिकन एनिमल है, स्पाइसेस प्लांट से। आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों चीजें जो हैं जो आप देख रहे हैं टेबल 1.2 में आपको दिखाया गया है, तो ये जो है बोथ प्लांट और एनिमल दोनों से आ रहा है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस वेयर डू यू दे कम फ्रॉम, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आएंगे। ऑफ कोर्स फ्रॉम प्लांट, ये मतलब कहाँ से आएंगे, प्लांट से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी आर व्हीट फील्ड विथ रो एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन, यानी कि जो पैडी यानी धान का जो खेत है, धान का जो प्लांट है या व्हीट गेहूँ का प्लांट है, उससे आता है राइस और व्हीट या फ्लोर का हो। द फूड आइटम लाइक मिल्क एग मीट एट्सेट्रा कम फ्रॉम एनिमल, ये सब किससे आते हैं, एनिमल से। हाउ एवर साल्ट एंड वाटर आर द टू इन्ग्रीडियंट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, और साल्ट और वाटर ये दोनों चीज़ हमको ये इन्ग्रीडियंट कहाँ से मिलता है, अर्थ से। सो द कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी थ्री इज दैट प्लांट एंड एनिमल बोथ आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। लेट अस डू सम मोर डिटेल ऑफ दीज सोर्सेज। प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, यू नो दैट ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सब हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं अपना जो है ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड देन वाट दे नीड, दे प्रिपेयर मोर फूड देन वाट दे नीड देम सेल्फ, और मान लो जो आवश्यकता से अधिक भोजन होता है वो क्या करते हैं, दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, और जो एक्स्ट्रा फूड जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं, प्लांट बॉडी में मतलब किस ब्रांच में, स्टेम में, लीफ में या किसी भी स्टोर कर लेते हैं। दिस पार्ट फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन ऑल द रूट्स स्टेम लीव्स फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स, ये जो भोजन एक्स्ट्रा बनाते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं किसके टाइप में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, फ्रूट में। द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर इटेन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट, और जिस पार्ट को प्लांट के जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं या खा सकते हैं उसको हम लोग एडिबल पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैंगो द एडिबल पार्ट इज द फ्रूट, जैसे जो मैंगो है उसका एडिबल प्लांट क्या है, फ्रूट है। इन द ओनियन एंड पोटैटो इट इज स्टेम, स्टेम जो पोटैटो और ओनियन है इसका हम लोग स्टेम खाते हैं। कैरेट इट्स द रूट एंड लीव इज एडिबल पार्ट इन द कैबेज, और कैरेट का जो हम लोग पार्ट खाते हैं रूट खाते हैं, और कैबेज का हम लोग वो पत्तियां हम लोग खाते हैं। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कियर्स व्हीट राइस मैज ज्वार बाजरा एटसेट्रा पल्सेज ग्राम उड़द सोयाबीन वेजिटेबल
कैरट, रेडिश, पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज एक्सेट्रा। फ्रूट में मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया, लीची, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। ऑयल में मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, कोकोनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। स्पाइसेस में टर्मरिक, चिली, जिंजर, कार्डमम एक्सेट्रा। शुगर में शुगर केन। फूड फ्रॉम स्टेम, स्टेम जो है पोटैटो स्टेम है, ओनियन का जो पार्ट हम लोग एडिबल पार्ट है वो क्या है, स्टेम है। जिंजर का जो एडिबल पार्ट है क्या है, स्टेम है। गार्लिक का जो एडिबल पार्ट है वो भी स्टेम है। रूट्स में आप देखिए कैरट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, ये रूट्स है प्लांट का। फूड फ्रॉम लीव्स, स्पिंच, स्पिंच है, फेनुग्रीक है, कैबेज है, मस्टर्ड है, इसका हम लोग लीव खाते हैं। फ्लावर में जैसे कली फ्लावर, ब्रोकली, फूड फ्रॉम सीड्स, राइस, किडनी बी, कॉर्न, व्हीट। फूड फ्रॉम फ्रूट्स में बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइन एप्पल। तो ये सब क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट। सम प्लांट हैव टू आर मोर एडिबल पार्ट, एग्जाम्पल सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड इट्स लीव आर यूज एज वेजिटेबल। जैसे कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके हम लोग कई पार्ट खा सकते हैं, जैसे मान लो मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड के प्लांट में उसका हम लोग जैसे सीड से ऑयल भी निकाल खाते हैं और उसको लीव्स में हम लोग उसका वेजिटेबल के जैसे यूज करते हैं। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये द स्टेम फ्लावर ऑफ बनाना, जैसे बनाना का जो प्लांट फ्लावर है और स्टेम है, इंडिया के कई पार्ट में जो है इसको जो है खाने के रूप में यूज किया जाता है। एक्टिविटी फूड देखो, द फाइंड अ पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एज फूड फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड टेबल 1.3। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट इज नोन शोन इन टेबल 1.4। इसमें दो दिया हुआ है और आप लोग दो अपने मन अपने लिखेंगे। हैव यू एवर सीन योर मदर बाइंग स्प्राउटेड सीड फ्रॉम द मार्केट आर प्रिपेयरिंग देम एट होम? हाउ डज द प्रिपेयर देम एट होम? लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर स्प्राउटेड सीड। एक्टिविटी 5 है, इसको आप लोग पढ़ के इसको आप लोग घर पे करेंगे। एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड, ए वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। दिस इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट एंड हनी। वी गेट फॉलोइंग फूड फ्रॉम एनिमल। मिल्क हम सबको किसे किसे मिलता है, काउ, बफेलो, गोट, कैमल एंड याक। मिल्क यूज टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट सच एज चीज, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट। सेकेंड देखो, एग फ्रॉम हेन एंड डक। मीट किसे मिलता है, फ्रॉम हेन, डक, गोट, फिश, क्रैब, प्रॉन, एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग कार्ड पोल्ट्री। हनी एग्जाम्पल फ्रॉम हनी बी, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड टेक इट टू देयर हाइव वेयर दे कन्वर्ट नेक्टर इंटू हनी एंड स्टोर इट एज फूड। वी गेट हनी एंड स्टोर इन फूड। वी गेट हनी फ्रॉम द हाइव। हनी आर कंटेन शुगर, वाटर, मिनरल एंड एंजाइम। जो हनी है उसको क्या करते हैं, हनी भी क्या करते हैं, जितने फ्लावर होते हैं उससे क्या करते हैं, फ्लावर से ये हनी भी उनका नेक्टर, नेक्टर क्या करते हैं, सक कर लेते हैं और उससे को लेकर उस नेक्टर को लेकर वो क्या करते हैं, अपने हाइव्स में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसको क्या करते हैं, नेक्टर को कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और ये स्टोर हो जाता है एज फूड। और हम लोग हनी ऑब्टेन करते हैं हाइव से।
हनी में जो है शुगर, वाटर, मिनरल और एंजाइम्स होते हैं। फूड ईटन बाई एनिमल, डू यू नो एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाई देम सेल्फ। आप लोग जानते ही हो कि फूड को जो है एनिमल अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं। दे डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हर एक मतलब एनिमल अपना अलग अलग भोजन खाता है। द बॉडी पार्ट ऑफ सच एनिमल आर एडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, हेंस व ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री ग्रुप आर कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो अभी हम जानेंगे हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है और ओमनीवोर्स क्या होता है। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, काउज, बफेलो, डियर एंड हॉर्स एट्सेट्रा। यानी वो प्लांट जो है केवल वो मतलब एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, डियर एंड हॉर्स, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। सच टाइप्स ऑफ एनिमल हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्रंट, ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, दे ईट ग्रास एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट। ये जो इस टाइप के जो एनिमल होते हैं, इनका जो है फ्रंट का टीथ होता है वो बहुत शार्प होता है, और फिर जो उसके जस्ट पीछे होता है वो फ्लैट होता है, उसको फूड को क्या करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। दे ईट ग्रास एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट, और ये क्या करते हैं, केवल ग्रास और उसके और अदर प्लांट मतलब प्लांट के अदर उसको पार्ट को खाते हैं। कार्निवोर, सच टाइप ऑफ एनिमल हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड द बर्ड हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू टियर द फ्लैश। स्नैक यूज देयर स्मॉल टीथ इन सॉलोइंग द प्रे एज ए होल। जैसे कार्निवर्स है, जैसे इनके जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, और जैसे बर्ड हैं जो वो होते हैं कार्निवर्स, उनके जो बीक्स होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, जिसके जिसके हेल्प से वो फ्लैश को टियर करने में प्रयोग करते हैं। स्नेक यूज देयर स्मॉल टीथ इन स्वॉलिंग द प्रे एज होल। और स्नेक के पास भी क्या होता है, स्मॉल टीथ होता है जो हेल्प करता है प्रे को होल मतलब होल प्रे स्वॉलो करने में। ओमनीवोरस आर दोज एनिमल डेट ईट बोथ द प्लांट एंड एनिमल। ओमनीवोरस वो होते हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। ह्यूमन, बियर, क्रो एंड कॉकरोच आर सम ओमनीवोरस एनिमल। अब देखेंगे स्क्वेंजर, स्क्वेंजर आर दोज विच मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड हेल्प टू कीप द सराउंडिंग। स्क्वेंजर जो होते हैं, जितने भी डेड बॉडीज होते हैं यानी कि जो मर जाता है, जैसे कोई जानवर मर गया, उसको खाने में क्या करते हैं, उसको खा के और अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हाइना है, वल्चर है, ये सब क्या होते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और स्क्वेंजर जो होते हैं एक तरह से समझो कि एक तरह से सफाई कर्मी होते हैं नेचर का, जो नेचर में पड़ी हुई गंदगी को क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्लीन, सम कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स कम इन दिस कैटेगरी, एग्जाम्पल क्रो, जैकाल, हाइना एंड वल्चर। ये जो है कुछ ओमनीवर्स होते हैं जो जो एग्जाम्पल जिसका है क्रो, जैकाल और हाइना है, ये सब क्या है, स्क्वेंजर है। अब एक होता है पैरासाइट, स्मॉल एनिमल डेट डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनिमल फॉर देयर फूड। यानी वैसे छोटे एनिमल जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज द फूड मॉस्किटो। जैसे ब्लड मॉस्किटो जो है क्या, पैरासाइट है, क्योंकि वो हम लोग का खून पे वो डिपेंड है, हम लोग खून चूस लेते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। दे सक इट फ्रॉम ह्यूमन एंड अदर एनिमल। मॉस्किटो हैव ए लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टीट ऑफ टीथ विच दे यूज टू पैच द स्किन एंड सक द ब्लड, जिसके सहायता से वो अपना क्या करते हैं, हम लोग का ब्लड चूसते हैं। सम पैरासाइट सच एज टेप वर्म, राउंड वर्म
एटसेट्रा लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ईट द फूड आफ्टर द हैज बीन डाइजेस्टेड बाई एनिमल फ्लैश लीचेज बग्स एटसेट्रा आर सम द पैरासाइट. वी नो डैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट एनफ फूड. वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दैट विल नॉट बी एनफ. वी मस्ट हैव फाइंड अ वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. टेक ओनली दैट मच फूड ऑन योर प्लेट दैट यू कैन ईट. नेवर वेस्ट द फूड. इसका मतलब है हम लोग जो भी हम लोग भोजन लेते हैं हम लोग को उसका वेस्ट नहीं करना है, उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम लोग खा सकें. क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं या बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग को खाने के लिए उपलब्ध नहीं है. ओके, थैंक यू. योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड.